हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये वेवेक्स की तरफ से आने वाला आपका 4-in-1 प्रोडक्ट है। एक तो ये वाटरलेस वॉश है, ऊपर से आप देख सकते हैं कि स्प्रे वैक्स है, क्विक डिटेलर है, रिंस एड, 4-in-1 काम ये करता है। क्या करता है पहले मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ, फिर इसका आज हम रिव्यू करेंगे और यूज करके देखेंगे कि कैसा काम करता है। जिन एरियाज में पानी की कमी होती है वहां पे हम वाटरलेस वॉश का यूज करते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैं एक प्रो क्लियर का वाटरलेस वॉश यूज करता था। नहीं देखी है तो लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वो जो प्रो क्लियर का वाटरलेस वॉश था वो काफी बढ़िया और इफेक्टिव काम करता था। 1.5 लीटर पानी में पूरी गाड़ी वॉश हो जाती थी। उसमें बस एक छोटी सी कमी थी, कमी नहीं कह सकते हैं, बेसिकली वाटरलेस वॉश था, बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन इसमें एक अच्छा फायदा है, उसमें कमी नहीं थी, ये एक फायदेमंद प्रोडक्ट है। ये है आपका वैक्स भी है, स्प्रे वैक्स, वॉश के साथ साथ वैक्सिंग भी साथ साथ हो जाएगी, गाड़ी के शाइन भी साथों साथ आ जाएगी, अलग से आपको वॉश और वैक्स नहीं करना पड़ेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों चीजें एक साथ दिखाता हूँ। सबसे पहला क्या लिखा है, वाटरलेस वॉश, वॉश की तरह काम करता है। अब ये देखिए, वाटरलेस वॉश की तरह काम करता है, जो जैसे प्रो क्लियर नॉर्मल करता था। दूसरा क्या है, एक्ट एज ए स्प्रे वैक्स, प्रोवाइड नेचुरल वैक्स लाइक साइन, मतलब आपको अलग से वैक्सिंग करने की जरूरत नहीं है साइन के लिए, इसी के साथ वैक्स है और इसी के लिए साथ आपका गाड़ी की भी शाइन भी मेंटेन हो पाएगी, एक ही साथ दोनों काम हो जाएंगे, एक फायदा। तीसरा फायदा ये है कि रिंस एड है, अगर आपकी गाड़ी आपने धोई है उस पर ये सोल्यूशन छिड़क दीजिए तो क्या आएगा, आपकी गाड़ी को साथ ही साथ पोंछता भी रहेगा और साइन भी नेचुरल करता रहेगा, मतलब अलग से इसमें ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। चौथा आपका क्या है, क्विक डिटेलर की तरह यूज होता है, मतलब अगर आपको जल्दी से गाड़ी में शाइन लेके आनी है तो ये काम की प्रोडक्ट है। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, इसका यूसेज करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पैकेजिंग देख लीजिए। पैकेजिंग कुछ इस तरह की है कि लिखा हुआ इधर सेव्स टाइम एनर्जी मनी एंड ऑब्वियसली वाटर, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट 750 से 800 के बीच का ये प्रोडक्ट है। इसके साथ क्या क्या मिलता है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। पैकेजिंग काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं। उसको जल्दी से खोल लेते हैं और अंदर देखते हैं हम क्या क्या हमको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। गाड़ी इस समय जिस कंडीशन में है मेरी, ये बता दूं कि भैया इससे बुरी कंडीशन में आपकी कार तो कभी नहीं होगी, मेरे को तो नहीं लगता। आराम से 600 किलोमीटर चल के आई है तो जितनी धूल इस पर जम सकती थी उस पर कई ज़्यादा धूल इस पर जमी है, और इससे अच्छा टाइम इस प्रोडक्ट को चेक करने का ना हो नहीं सकता। तो पन्नी हम फेंक देते हैं, एक एक करके दिखाता हूँ क्या मिलता है इसके साथ, तो तसल्ली बना के रखिएगा। ये पूरी पैकेजिंग ऐसी आती है, ये खाली है, ऐसे पैकेजिंग आती है। तो दोस्तों, एक एक करके प्रोडक्ट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है एक ये 350 GSM का माइक्रोफाइबर टॉवल, यही वाला टॉवल मैं यूज करूंगा इसकी बफिंग के लिए, ठीक है। और एक तो ये प्रोडक्ट हो गया, इसका कितनी लंबाई है ये आपको अभी थोड़ी देर में चलेंगे यूज करेंगे तो दिख ही जाएगा। एक आपको ये मिलता है आपका वॉल्यूम नापने के लिए, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली 25 ml मिलाएंगे, जो बॉटल साथ में मिली है, आप देखिए इसके साथ ये बॉटल मिली है, 500 ml की बॉटल है, बताया जाता है कि 25 ml इसमें डालना है और उसके बाद बाकी सारा पानी से भर देना है, ठीक है, ये भी हम करके देखेंगे। तीसरा प्रोडक्ट है आपके बोतल के साथ का है, ये काफी अच्छा है, ठीक है। अब काफी अच्छा तो क्या बोले, नॉर्मल भैया कोलिन की बोतल के साथ जो आता है वो वाला ही। लास्ट में आपका आता है प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट है वो है ये, ध्यान से देखिए, हाइब्रिड एक्स 4-in-1 शेक वेल बिफोर यूज। प्रोडक्ट की MRP ऊपर से 1000 समथिंग रुपए लिखी है, लेकिन ये 750-800 में है। ये 1 लीटर का है, इस पे लिखा है कि 20 लीटर में 20 times में डाइल्यूट होता है, तो जितना भी आप इसमें कंसेंट्रेट डालेंगे उसका 20 times पानी डाल सकते हैं। तो बेसिकली इस बॉटल में हम 20 ml डालेंगे और बाकी का पानी डाल के हम इसको शेक करके यूज करेंगे। यूज करने से पहले अच्छे से इसको शेक कर लेना है और समय को बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, एक ही वीडियो में सब चीज नहीं बताया जा सकता, तो अब इसको हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेट बन गया, अब इसको यूज करके देखते हैं।
पहले मैं आपको गाड़ी की हालत दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत कुछ इस तरह की है। जितनी ज्यादा धूल इस पे जम सकती थी उतनी ही ज्यादा धूल इस पे जम चुकी है। वैसे आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसी सरफेस पे भी, लेकिन उस सिनेरियो में आपको दो माइक्रोफाइबर टॉवल की जरूरत पड़ेगी, एक साफ करने के लिए दूसरा बफ करने के लिए। लेकिन मैं इसको यूज करने से पहले मेरे पास ये डस्टर है, इससे मिट्टी ऊपर की हटा लूंगा जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप ऐसे साफ कर सकते हैं तो आप उसके बाद आपको सॉल्यूशन को इसके ऊपर इवनली स्प्रे कर देना है। इसमें दो मोड है, नॉर्मली आप देख सकते हैं जेट और स्ट्रीम। तो अभी ये स्ट्रीम पे चल रहा है, और अगर आप स्ट्रीम पे नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं स्प्रेड हो रहा है, हवा चल रही है, तो आप उसका ना जेट मोड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी हम जेट मोड यूज़ करेंगे जिससे हमारा ना रीच थोड़ी सी आगे तक हो जाएगी। तो वैसे में जेट मोड में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है। आप चाहें तो इसको मिरर्स वगैरह पे भी, फ्रंट विंडशील्ड पे भी, सारी विंडशील्ड पे बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। और इसको एक बार बहुत अच्छे से स्प्रेड करने के बाद 2 मिनट का समय दीजिए इसको एक्टिवेट होने के लिए, और उसके बाद आप अपना फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों एक बार 2 मिनट देने के बाद उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल लेके ऊपर की ना डस्ट हटानी है, ठीक है। तो ये जैसे मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ वैसा ना करिएगा, अगर डस्ट होगी ना तो वो फिर उसी पर रह जाएगी। आपको एक साइड से खींचते हुए जाना है, डस्ट को बाहर खींच देना है। क्योंकि मैं पहले से ही डस्ट पूरी साफ कर चुका था तो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ ऐसा करना, लेकिन अगर आप सीधा डस्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको डस्ट को बाहर खींचते हुए जाना है, और पहले माइक्रोफाइबर टॉवल से आपको पूरी तरह डस्ट बाहर खींच लेना है। एक बार जब आप डस्ट खींच लेंगे उस गंदे वाले माइक्रोफाइबर टॉवल से, अब कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट माइक्रोफाइबर टॉवल, साफ माइक्रोफाइबर टॉवल लेना जिससे आप बफिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ पे भी आपने स्प्रे किया था, जहाँ पे भी आपने सफाई करी थी, पूरे पोर्शन पे आप अच्छे से बफ कर लेंगे। जैसे जैसे आप बफ करते जाएंगे आपको शाइन दिखती जाएगी, और एक बार जब आप बफ कंप्लीट कर लेंगे तो एक अच्छी शाइन आपको कार में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। मुझे तो ये रिजल्ट नॉर्मल जो वाटर वॉश आता था उससे काफ़ी अच्छा लगता है, और इसमें शाइन भी ज़्यादा है, प्लस ये है ना एक साथ दोनों काम कर देता है, इसमें साथ ही साथ वैक्सिंग का भी काम हो जाता है। दोस्तों तो दोस्तों ये था वेवेक्स की तरफ से आने वाले हाइब्रिड वाटरलेस वॉश प्लस वैक्स का रिव्यू। ये एक तरीका था जिससे मैंने कार को वॉश किया। जब आपके पास पानी की कमी हो तब आप इस तरह से अपनी कार को वॉश कर सकते हैं। 20 ml एक बार में यूज होगा और पूरी गाड़ी वॉश हो जाएगी, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। कांच पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आपने देख ही लिया, मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया। नुकसान अब मैं बताता हूँ, नुकसान क्या है कि ये थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, 750-800 रुपए मुझे नहीं लगता है। केवल ये मिले तो ठीक है, 450-400 में ये मिले तो सबसे बढ़िया है, और ये शायद मिलता भी था, लेकिन ये उसका ना एडवांस वर्जन है। हमको जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं वो एक तो इस बोतल के हैं, जो कोलिन की बोतल से भी जैसी ही है, ठीक है। अब कोलिन की बोतल से जैसी ही है, ये भी सब एकदम वही वाला है, केवल बस अपना मार्किंग दे के बेच रहे हैं। माइक्रोफाइबर क्लोथ 350-350 GSM का है, ये हम सबके पास रहता ही है। तो ये थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन फायदा ये है कि आपका मेहनत बचा देता है और समय भी बचा देता है। ये एक तरीके से हमने इसको धोया। दूसरा तरीका यह है कि जब आप अपनी कार को पूरी तरह से वॉश कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, जब मैं बनाऊंगा कार को पूरी तरह वॉश करूंगा तब ये कैसे मदद करता है आपकी कार को ड्राई करने में, वो हम देखेंगे। तो चलिए, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। प्रोडक्ट मुझे काफी पसंद आया, जो प्रो क्लियर है उससे काफी अच्छा, क्योंकि वो केवल वॉश करता था, ये वॉश प्लस वैक्स दोनों है इसमें। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पसंद आए तो खरीद लीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी प्रोडक्ट की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आपका पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूँ, मुझे बताइए, मैं उस प्रोडक्ट को खरीद के मैं उसका रिव्यू करूंगा, और ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।